दोस्तों, कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीत दुबे आज दिखाने वाला हूं इको का पूरा मॉडिफिकेशन विद चीप प्राइस। तो गाइस, क्या-क्या आपको लगाना चाहिए और क्या-क्या नहीं लगाना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 110% आइडिया लगने वाला है। तो गाइस, ये वीडियो मैंने शामिल किया है अपनी कार लवर इन इंडिया वाली प्लेलिस्ट में और ये वीडियो हमें किसी ने भेजा, तो आप भी अपना वीडियो भेज सकते हैं अगर आपने कोई कार का मॉडिफिकेशन कराया है अपने अकॉर्डिंग या क्या क्या अपग्रेड किया आप दूसरों को बताना चाहते हैं। तो इससे क्या है कि लोग देखेंगे तो उनको आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये चीज करवानी चाहिए और ये चीज नहीं करवानी चाहिए। तो वीडियो लास्ट तक देखिए एंड गाइस, अगर इस कार में जो जो चीज हमने लगाई है वो आपको खरीदनी है तो उसका भी आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा और कहाँ से खरीदें वो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और मिलवाते हैं आपको कार के ऑनर से। तो गाइज, ये है राजू जी, इन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजा है गुजरात से और इन्होंने हमसे खरीदा था एक एंड्रॉयड स्टीरियो जो कि इन्होंने इसी कार में लगाया है। और अगर बात करते हैं मॉडिफिकेशन की तो बहुत बहुत जेन्युइन मॉडिफाइड की है इन्होंने ये कार। ऊपर लिखा रखा है माँ चामुंडा, ये माँ के भक्त लगते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं बम्पर पे तो गाइज, इन्होंने एक सेफ्टी गार्ड लगा रखा है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में दिख रहा है एंड ऊपर लिखा रखा है इन्होंने जय माता दी। और अगर आप देखेंगे तो आपको फॉग लैंप दिख जाएगी। ये फॉग लैंप जो है गाइस यूनिवर्सल होती हैं, आप किसी भी कार में लगा सकते हैं। मैं एक बार इसको जला के दिखाता हूँ, ये देखिए। तो अगर आप नाइट में यूज़ करेंगे तो आपको समझ आएगा कि बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। 999 रुपये मैक्सिमम इनकी कॉस्ट आती है। और इन सब प्रोडक्ट की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी प्रोडक्ट मैं बताऊंगा या जो भी प्रोडक्ट इन्होंने इस कार में लगाए हैं। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें गाइस, तो इन्होंने कुछ ऊबर स्टिकर वगैरह कुछ नहीं लगा रखा है। एंड अंदर की बात करते हैं तो जो स्टीरियो मैंने इनको दिया था वही स्टीरियो इन्होंने लगाया और ये परफेक्ट इसमें आ जाता है। यूनिवर्सल साइज होता है जिसका म्यूज़िक भी आप सुन सकते हैं। ये मैंने NCS नॉन कॉपीराइट सॉन्ग बजाने के लिए इनको बोला था, सेम वही साउंड इन्होंने दिया है। सो थैंक यू राजू जी को। एंड गाइज, अगर हम बात करते हैं इसमें अगर कुछ ज़्यादा मुझे लगा तो वो है बैक साइड में जो इन्होंने बूफर स्पीकर ये सारी चीज़ें लगाई हैं, थोड़ा सा ज़्यादा लगा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड सबका प्राइस और कैसे आप ख़रीद सकते हैं उन सबका लिंक आपको प्रोडक्ट लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड कैमरे की बात करूं तो रिवर्स पार्किंग कैमरा LED मैंने स्टीरियो के साथ ही दिया था और ये मैंने इनको 6500 विद रिवर्स पार्किंग कैमरा विद डिलीवरी दिया था, जिसमें एक बार इनका स्टीरियो ख़राब भी हो गया था तो मैंने इनको रिपेयर करा के दिया था। मींस थोड़ा सा इशू था वो मैंने सॉल्व कर दिया था। तो चलिए थोड़ा सा ड्राइव का लुत्फ लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आपका जो सबवूफर है वो मुझे क्यों एक्स्ट्रा लगा या इसमें मतलब इतना ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं थी, पर क्या कह सकते हैं, कार लवर हैं भाई, कुछ भी डाल सकते हैं। तो अगर बात करते हैं इस कार के मेंटेनेंस की तो इन्होंने काफ़ी मेंटेन कर रखा है और बहुत ज़्यादा ये बता भी रहे थे कॉल पे कि बहुत ज़्यादा केयर करते हैं अपनी कार की। तो अगर आप भी कार लवर इन इंडिया की प्लेलिस्ट में अपनी कार को शामिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर भेजें। एंड देखिए, मैं बोल रहा था इन्होंने ये बेस ट्यूब लगाई है, साथ ही पाइनियर का बूफर लगा हुआ है और ओबेल स्पीकर, ये देखिए, ये आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ये, लेकिन फिर भी अगर इनको पसंद है तो ये लगा सकते हैं। तो ये जो पाइनियर का बूफर है इसका गाइस मॉडल तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, लेकिन जो बेस ट्यूब है वो 1100 वॉट JBL की है और इन्होंने जो एम्प लगाया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अगर बूफर के साथ आप एम्प नहीं लगाओगे तो आपको साउंड का मज़ा नहीं मिल पाएगा। एंड कैमरा देखो, मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये कैमरा जिसकी क्वालिटी आपने देखी थी अभी रिवर्स जब हमने लिया था, तो ये कैमरा है और ये इसकी बिट और वायरिंग सब कुछ कैमरे के साथ ही आता है। तो उसके लिए आप अगर आपको इंस्टॉल कराना है कैमरा तो लगा सकते हैं, बाकी मेड इन चाइना होता है एवरीथिंग। मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट कोई भी कंपनी हो वो मेड इन चाइना ही होती है, क्योंकि मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना से होके आती है। तो देखिए, ये अगर आप सीट के नीचे देख सकते हैं तो फिक्स तो काफ़ी अच्छा कर रखा है इन्होंने, ऐसा नहीं है कि बहुत जो पैसेंजर बैठेंगे इनकी कार में उनको प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है, वो प्रॉपर बैठ सकते हैं। और इन्होंने जो पेटी बनवाई है, बॉक्स बनवाए हैं वुडन के, वो प्रॉपर बनवाए हैं जिससे कि बैठने वाले को तकलीफ ना हो। तो अब अगर हम साउंड की टेस्टिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं पाइनियर का बूफर भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। एंड बेस ट्यूब की बात करें तो बेस ट्यूब भी
जो स्पेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कवर कर रही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं दो सवारी तो पीछे बैठ ही सकती हैं, दो पैसेंजर को आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अब मैं दिखाता हूँ आपको ये पेटी के पीछे जो लगा है, ये थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये भाई ने यहाँ भी ओबेल स्पीकर लगा रखे हैं JBL के, और ओबेल स्पीकर मैंने ये कई बेचे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा JBL के ओबेल स्पीकर के लिए। तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो भी ख़रीद सकते हैं। और मैं अगर आपको बोलूँगा जो भी आप JBL, Pioneer, Sony ये चीज़ें ख़रीदते हैं तो आपको ना 110% बिल के साथ खरीदनी चाहिए, जिससे कि आपको इन फ्यूचर सर्विस आपके शहर में मिल पाए। ये चीज़ मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा। तो अगर आपको बिल GST ये सब कुछ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में विजिट करके वहाँ से आप प्रॉपर बिल और जो GST होता है वो सब कुछ मतलब इंक्लूड सर्विस आपको प्रॉपर आपके शहर में मिल जाएगी। अब चलते हैं एम्प की तरफ। तो एम्पलीफायर की अगर बात करें तो गाइज मैंने B12 का 2 चैनल एम्पलीफायर बहुत बेचा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है अकॉर्डिंग टू कस्टमर, बहुत जेन्युइन रिव्यू दिया है। एंड ये है डेपिक 2 चैनल 2800 वॉट्स मैक्सिमम पावर, इससे भी आप लुत्फ ले सकते हैं। मतलब आपको अगर एम्पलीफायर चाहिए तो आई थिंक आप B12 के साथ जा सकते हैं। बाकी मैं अगर आपको बोलूँगा कि इस डेपिक के बारे में, तो मैंने ये पहली बार ही सुना है और मैं पहली बार ही देख रहा हूँ इस एम्पलीफायर को। जैसा कि राजू जी ने बताया कि काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है और ये एक बेस ट्यूब एक बूफर कनेक्ट करके चला रहे हैं और ठीक रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है। तो 2 चैनल एम्पलीफायर अगर इतना आउटपुट दे रहा है और इतनी सारी चीज़ें आपकी कनेक्ट हो रही हैं तो आई थिंक बट बेटर ऑप्शन है। लेकिन मैं अगर सजेस्ट करूँगा तो आपको एम्पलीफायर का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। बाकी आपको जो बेटर लगे आप वो ले सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें शेयर करता हूँ क्योंकि मैं टेस्टिंग भी बहुत करता हूँ प्रोडक्ट की, अनबॉक्सिंग टेस्टिंग मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी ज़्यादातर। तो मैं आपको आई थिंक सजेस्ट करने लायक हूँ कि आप ये चीज़ ख़रीद लें, बेस्ट रहेगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे JBL, Pioneer, बड़ी बड़ी ब्रांडों के साथ उस एम्पलीफायर को जो है यूज किया है और उसका रिव्यू लिया है। कस्टमरों से भी मतलब फीडबैक लेता रहता हूँ मैं, तो वो कहते हैं सही है, बढ़िया है, रिस्पॉन्स में कोई दिक्कत नहीं है। और राजू, अगर राजू जी की बात करते हैं तो राजू जी ने भी हमारे वर्क को काफ़ी अप्रिसिएट किया था क्योंकि उनको सर्विस भी मैंने तुरंत दे दी थी और प्रोडक्ट उनका पहुँच गया था। हालाँकि बहुत बड़ा इशू नहीं था, उसमें टच काम नहीं कर रहा था तो मैंने फिर उसको चेंज कर दिया था। अब इन पेटियों की बात करते हैं तो आई थिंक आपको इतना मतलब तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है यार इको में आप इतना पेटी वेटी लगाते हैं, लेकिन शौक बड़ी चीज़ है। अब लोगों को लगता है कि वो कार लवर इन इंडिया की प्लेलिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो करा लेते हैं। तो ये देखिए इधर भी लगा रखा है इन्होंने JBL का ओबेल स्पीकर, ये पूरा मैं आपको दिखाता हूँ साइड से। ये JBL का ओवल स्पीकर का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है, पूरी डिटेल अगर आप चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ने को मिल जाएगी। साथ ही मैंने इसकी टेस्टिंग भी की है तो आप प्रोडक्ट अनबॉक्सिंग वाली जो प्लेलिस्ट है वो देखेंगे तो आपको 110% आइडिया लग जाएगा कि क्या बेटर है और क्या लेना चाहिए और क्या क्या नहीं लेना चाहिए। देखिए इन्होंने 2-3 मेट भी डाल रखे हैं पीछे, मतलब प्रॉपर काम कर रखा है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ मतलब टेम्परेरी कर रखा हो। और आफ्टर मार्केट इतना अच्छा जुगाड़, मतलब मैं इको में पहली बार देख रहा हूँ पूरा प्रॉपर इन्होंने जो जुगाड़ किया है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप करेंगे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन तो आई थिंक वो फिर मज़ा नहीं आता उतना उसमें। ये एक मतलब जेन्युइन अगर आप कार को यूज़ कर रहे हैं तो ये सही है मेरे हिसाब से। एंड अब स्टीरियो पे आ जाते हैं गाइस। तो ये एंड्रॉयड स्टीरियो है 1.6, इसका जो आउटपुट है ऑडियो आउटपुट और 65 मैक्सिमम आउटपुट है। एंड इसमें आप सारे ऐप यूज़ कर सकते हैं एंड 1GB 16GB इंटरनल मेमोरी है इसके अंदर। एंड अगर बात करते हैं यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सअप कुछ भी आप चला सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको मेरा भी वीडियो दिख जाएगा, लेकिन मैंने इनसे बोला था NCS म्यूज़िक चलाने के लिए जिससे कि कॉपीराइट ना आए चैनल पे, तो मैं NCS का जो नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक है वो चला के आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। बाकी स्टीरियो काफ़ी अच्छा है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप ख़रीद सकते हैं। एज योर बिस आप किसी भी ब्रांड के साथ जा सकते हैं, एवरी ब्रांड मेड इन चाइना। आप कार म्यूज़िक अप के फेसबुक पेज पे जाके हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपको कॉल पे भी सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपके लिए कौन सा बेस्ट स्टूडियो रहेगा।
एंड गाइज, अगर हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैं एक वीडियो में तीन बार बोलता हूँ कि सब मेड इन चाइना है, आपको बार बार किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये ब्रांड कहाँ का है। तो लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये जो कुछ प्रोडक्ट हैं दो दो तीन तीन साल से लोग चला रहे हैं, मैंने कई लोगों को भेजे हैं तो वो काफ़ी अच्छा जो है रिस्पॉन्स देते हैं। एंड सब ने देखिए अपना नंबर भी दिखा दिया है, तो आप इनसे भी रिस्पॉन्स ले सकते हैं डायरेक्टली, ये हमारा रिव्यू देंगे गुजरात से। तो ये था आज का वीडियो गाइज, और इको का ये वीडियो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा मॉडिफिकेशन इन्होंने किया है, बहुत जेन्युइन किया है, ओवर नहीं किया है, ये सबसे अच्छी बात है। क्योंकि आज की डेट में ना लोग रेमेम खुलवा के वो सारा कुछ करके बड़ा बड़ा कर देते हैं वो सब, ठीक है वो भी अगर वीडियो आप लोग पसंद करेंगे तो मैं बनाऊँगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ एक जेन्युइन मॉडिफिकेशन की तो इट्स एनफ, मतलब ये पर्याप्त है आपके लिए, और काफ़ी अच्छा आपको साउंड क्वालिटी, जो आपका साउंड क्वालिटी है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, एंड स्टीरियो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, और आई थिंक टोटल कॉस्ट अगर आप निकालेंगे तो 15,000 से 20,000 रुपए में गाड़ी फुली मॉडिफाइड हो जाएगी एंटरटेनमेंट सिस्टम के मामले में। और ये भी मैंने काफ़ी मतलब मैक्सिमम बताया है, आप इससे कम में भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बेस ट्यूब डाल दी है और ये डाल दिया वो डाल दिया, थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप ओवर नहीं करेंगे तो आप आई थिंक 15 तक आप अच्छा साउंड सिस्टम इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। और जो आपने देखा सीट एंड आगे बम्पर पे सेफ्टी गार्ड, पीछे रिवर्स पार्किंग कैमरा, यूनिवर्सल फॉग लैम्प, ये सब पर्याप्त है एक इको कार के लिए। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।